हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे प्यारे बच्चों, आई विल टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ सिंपल पेंडुलम। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है। टी इज इक्वल टू 2π√L/g, ये बताया आपको? टी इज इक्वल टू 2π√L/g बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। वॉट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मान लीजिए कुछ पॉइंट मास पेंडुलम, यानी बॉब नहीं है, इसका बॉब बहुत छोटा है, इसका पॉइंट मास है, मास बहुत कम है। ठीक है, अगर मान लीजिए बॉब बहुत बड़ा होता, मतलब ऐसे होता ऐसे, तो इसका फॉर्मूला अलग है। इसका फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√I/mgl। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपकी किसकी, mgr। ठीक है, तो यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपसे बेसिकली, कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस This thing, I am telling about or asking about for a simple pendulum. Simple pendulum मतलब छोटा सा point mass bob है, ये जो आपका bob है, ऐसे लटका हुआ है। Time period मतलब मान लीजिए ये at certain time, मान लीजिए at 25 degree Celsius, इसका जो time period है वो आता है 4 seconds, मान लीजिए। तो अगर मैंने temperature बढ़ा के 100 कर दिया, If I am increasing the temperature, then what is the effect on the time period? Time period पे क्या असर पड़ेगा? I am just asking that. So बच्चों, as we know that on increasing the temperature, length increase करेगा। ठीक है, जो thread है, thread का जो length है, ये L जो है, ये क्या होगा? ये इसका length बढ़ेगा, we increase, we know L is equal to L naught, 1 plus alpha delta T. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड चेंज होकर क्या हो गया, टी डैश 2π√L0 1 + α∆t/g। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, तो क्या मिलेगा, टी डैश ओवर टी क्या मिलेगा आपको बच्चों, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की होल पावर क्या आएगा, हाफ। क्लियर, ये जो लेंथ है ना आपको दिख रहा है, जो 2π L0 नहीं, इसे यहाँ जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ तो एल है ना, तो हमें यहाँ एल लेना है, याद रखना ये एल नॉट क्या है, इनिशियल लेंथ, व्हेन टेम्परेचर इज नॉट रेज्ड, टेम्परेचर रेज करने के बाद लेंथ क्या होगी, स्मॉल एल। यहाँ समझ लेना, ये जो 2π√L है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये जो आपकी लेंथ होगी, इसको मान लो एल डैश कर लो, सिंपल, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये इनिशियल लेंथ है। तो ये जो एल नॉट लिखा है बेसिकली एल है, समझ जाना, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये आपको पता होना चाहिए, एल नॉट इससे मतलब नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए एल नॉट का मतलब क्या है, एल डैश का मतलब क्या है। एल नॉट मतलब इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ क्या है, एल। तो एल 2π√L 1 + α∆t/g, टी डैश अपॉन टी करेंगे तो क्या आएगा, 1 + α∆t। क्लियर, तो अब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से ओपन कर सकते हैं। देखिए, जो अल्फा की वैल्यू होती है हमको पता है 1 + x^n, ठीक है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, 1 + nx। कब ले सकते हैं, जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1, x बहुत छोटा है 1 से, एंड यू कैन राइट इन दिस वे। क्लियर, तो बच्चों यहां से मेरा क्या एक्सप्रेशन आ गया, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर मैं इस हाफ, देखो क्या मतलब है, जब बहुत छोटा हो x 1 से, तो 1 + nx हो जाता है, यानी जो पावर है उसका मल्टीप्लाई जो वेरिएबल में हो जाता है, जो सेकंड वाला हमारा टर्म है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। इन द सिमिलर वे यहाँ भी क्या होगा, 1 + ½α∆t। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, इफ आई सॉल्व दिस, लेट मी रब दिस क्वेश्चन, तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया देन व्हाट आंसर यू विल गेट, कितना मिलेगा आपको आंसर, ये जो टी डैश अपॉन टी, 1 को इधर ले जाइए, -1 ½α∆t, टी डैश, ये डेल्टा टी का मतलब क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, ये जो लिखा है इसका मतलब है टाइम का डिफरेंस, डेल्टा टी ½α∆t। तो ये जो टाइम का डिफरेंस है डेल्टा स्मॉल टी अपॉन ये टी कैपिटल टी टाइम पीरियड है, ½α × टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज व्हाट,
दिस इज बेसिकली द चेंज इन द टाइम, फ्रैक्शनल चेंज इन द टाइम। समझ आ गया, क्लियर हुआ? तो बहुत आसान चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग बहुत टफ बना देते हैं चीजों को। समझिए, किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट, किसी भी ये जो थ्रेड होता है, इसमें कुछ लाइट स्ट्रिंग का होता है, ये जो कैसे बड़ा, याद रखने, ये कोई धागे का नहीं होता, ये जो थ्रेड लगा होता है, इससे बॉब अटैच होता है, ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होता है। ये भी एक स्ट्रिंग, मेटलिक स्ट्रिंग होता है, बहुत लाइट लाइट वेट स्ट्रिंग होता है। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कन्फर्म है इसका लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। क्लियर बच्चों? सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लेंथ इंक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ टाइम पीरियड ऑल्सो चेंजेस। क्लियर? यहाँ तक कोई किसी को डाउट अभी तक, किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी एनी टाइम, बिकॉज फिजिक्स कोच आप लोगों के लिए बना है। फिजिक्स से डरना नहीं, डराना है। मेरा याद रखना बात हमेशा, फिजिक्स से डरना नहीं, फिजिक्स को डराना है। कह दो फिजिक्स से, हम फिजिक्स कोच के साथ हैं, हम आपसे नहीं डरेंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो, हम अपना कंसेप्ट लगाएंगे, कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, और कोई भी कितना भी टफ से टफ प्रॉब्लम हो, वी कैन सॉल्व। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस लव एंड एफर्ट एंड सपोर्ट। वंस अगेन थैंक यू सो मच।